आ जाएगी 5/4। सो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन क्या बन रहा है इसका, 4/5, 5/4, नन को टिक करेंगे। क्योंकि 4/5 एक ऑप्शन में आया हुआ है, बट उसमें नेगेटिव का साइन है, तो हमारा तो आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा। ओके, ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। 94 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्विटी। एक उसने इनइक्विटी दी है और नीचे उसके ऑप्शन दिए हुए, तो ये क्वेश्चन एज इट इज वैसी है जैसे आपने एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व किए थे, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि इनको आप खुद बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दिस इज योर प्रॉब्लम। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5x माइनस 3x हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा, ये माइनस 20 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी माइनस 10। ऑप्शन देख लें, x इज ग्रेटर देन माइनस 10, ऑप्शन सी। आप खुद कर लेंगे, ठीक है। 95 आप खुद कर लेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है। 96 नेचर पूछी है सोल्यूशन की, कि इसका आंसर यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा। मतलब 95 को जब आप सॉल्व करेंगे, 96 में आपने उसकी नेचर बतानी, तो आप देख लेंगे उसकी नेचर क्या आ रही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं या यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं या आपके पास नो सोल्यूशन आ रहा है, वो आप देख लेंगे। 95, 96 ये आप खुद करेंगे। ओके जी, 97 पे आते हैं। 97 में आपको दो इनक्विटीज दी हुई हैं, एक्स इज लेस देन 15 और दूसरी इनक्विटी दी है आपको एक्स इज मोर देन 15, और कहते हैं इनका कॉमन सोल्यूशन बताएं क्या होगा। इनका कॉमन सोल्यूशन जो होगा वो नल सेट होगा, मतलब इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। अगर आप इनको ग्राफ में देखते हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे ये आपका हो गया 15, दैट इज ओपन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सोल्यूशन आएगा x इज लेस देन 15 का, राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन आएगा x इज ग्रेटर देन 15 का। इस तरफ माइनस इन्फिनिटी है, इस तरफ है आपके पास प्लस इन्फिनिटी। तो आप देखें ये जो बीच वाला 15 है, ये जो 15 है आपके पास, ये ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, इक्वल टू नहीं है ना इसमें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये राइट हैंड साइड पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इन दोनों के सोल्यूशन देखें, एक लेफ्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ओके, इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट, नो सोल्यूशन। तो इसमें आप ऑप्शन को टिक करेंगे नन। और सेम एज इट इज हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, वो इस टाइप का क्वेश्चन था, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, उसका केस वन का आंसर ये आया था, केस टू का आंसर ये आया था। अगर आपको याद हो तो, बहुत पुरानी बात होगी ना, अगर आपको याद हो तो हमने 1.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें केस वन का आंसर ये आया था, केस टू का आंसर ये था, हमने इनको कंबाइंड करना था। जब हमने इनको कंबाइंड किया तो ये हमारे पास 15 क्लोज के साथ आ गया था, ये माइनस इन्फिनिटी था, ये प्लस इन्फिनिटी था, एक्स लेस देन 15 आपके पास ये हो गया, एक्स मोर देन 50 आपके पास ये हो गया। तो इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा था, 15 लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, 15 राइट साइड पे भी आ रहा है, तो वहां पर हमने इसका आंसर x इक्वल टू 15 लिखा था एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था, एमसीक्यूज में ये आ गया।
इसमें तो 15 दोनों साइडों पे लाई कर रहा था, लेफ्ट साइड पे भी आ रहा था, देखें इक्वल टू 15 आ रहा है, इक्वल टू 15 आ रहा है, यहां पे इक्वल टू 15 नहीं है, ये है दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। तो एमसीक्यूज है ना, तो एमसीक्यूज वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज वो आपसे इस तरह से ही पूछ सकते हैं। तो इसका भी नो सोल्यूशन होगा, इसका भी नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 15 एक साइड पे तो आ रहा है, दूसरी साइड पे नहीं आ रहा, इसमें 15 एक साइड पे नहीं आ रहा, दूसरी साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें 15 दोनों साइडों पे नहीं आ रहा, इसका भी नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन, इसका भी नो सोल्यूशन, इसमें 15 दोनों साइडों पे आ रहे हैं, तो इसका एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन सोल्यूशन बन रहा है। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये हमने इसको देखकर डिफाइन कर दिया। तो एमसीक्यूज है ना, तो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन एक है, उसके चार एमसीक्यूज हैं, बस समझने वाली बात है। तो एमसीक्यू तो ऐसे होते हैं ना, एक क्वेश्चन होता है उसमें से टू की जगह थ्री लिख दिया, टू के साथ प्लस का साइन था उसको माइनस कर दिया, टू को 1/2 लिख दिया, टू को -1/2 लिख दिया, 15 क्लोज था 15 को ओपन कर दिया, 15 लेस देन था 15 को ग्रेटर देन कर दिया। तो इसी तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपकी लॉजिक्स क्लियर क्लियर होनी चाहिए कि लॉजिक्स क्या है इनको सॉल्व करने की। मतलब अगर 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 हमें दो इनक्विटीज दे दी जाए, हमने उनका कॉमन सोल्यूशन निकालना, तो आपको पता हमने करना क्या है इसमें। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, और ये चीज सारी हम चैप्टर वन के अंदर एक्सरसाइज 1.3 में कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आप ले रहे स्क्रीनशॉट, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इनक्रीटी का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन निकालें और उसको ब्रैकेट फॉर्म में देखें क्या आ रहा है। 99 आप खुद कर सकते हैं, डबल इनक्रीटी है, चलें ये मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 3x-5 एंड लेस देन इक्वल टू 2+4x। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस वन, और नीचे ऑप्शन में उनके आंसर जो है वो ब्रैकेट फॉर्म में दिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डबल इनक्रिटी के क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड की इनक्रिटी को अलग कर लेते हैं और राइट हैंड साइड की इनक्रिटी को अलग कर लेते हैं। जो बीच वाली होती है इनक्रिटी, इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिखते हैं और राइट हैंड साइड के साथ लिखते हैं, सेपरेट हो गई। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिफ्टीन बाय टू को आप लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं इसको। ओके, राइट हैंड साइड पे आ जाएं, 4x-3x-5-2, ये -7 हो गया। एक्स इज ग्रेटर देन -7 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7.5। जब आप इसको नंबर लाइन पे लाएंगे इन दोनों के सोल्यूशन को, तो इनका आपने कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो एक तो आ गया आपके पास -7, ठीक है, और ये क्लोज है,
एक आ गया प्लस 7.5, ये भी क्लोज है. ओके, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 का आंसर आ गया. सेकेंड, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये -7 है, इससे ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो गया. आप देखें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. इस एरिया के अंदर सिर्फ एक आंसर है, दूसरा नहीं है. इस एरिया के अंदर इसका आंसर भी आ रहा है और इसका आंसर भी है, तो ये कॉमन हो गया. अब इसको कैसे लिखेंगे ब्रैकेट फॉर्म में, 7.5 अप टू प्लस इनफिनिटी. इनफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आते हैं और 7.5 क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, ये ऑप्शन में देख लें क्या आ रहा है. ओके, ऑप्शन बी को टिक नहीं कर देना क्योंकि ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, ये ओपन ब्रैकेट के साथ, तो कहीं जल्दबाजी में ऑप्शन बी को टिक कर देना. तो बी में ये ओपन ब्रैकेट है, हमारे पास आंसर क्लोज ब्रैकेट आ रहे हैं, तो नन को टिक करेंगे. कहीं जल्दबाजी में आप बी को टिक कर दें और आपका आंसर गलत हो जाए, देख के ऑप्शन को देख के गौर से कि आपका आंसर आ रहा है क्लोज ब्रैकेट में और ऑप्शन बी में ये ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो बी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर फिर यहां पे नन को टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 100 देखें. एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब हुआ, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट नेगेटिव है. जब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो हमारे जहन में क्या सिचुएशन होती है कि बोथ ब्रैकेट हैव ऑपोजिट साइन. व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज नेगेटिव देन व्हाट्स व्हाट्स मीन बाय दिस वन, इट्स मीन दैट बोथ ब्रैकेट हैव नेगेटिव साइन, सॉरी बोथ ब्रैकेट हैव ऑपोजिट साइन. अगर एक ब्रैकेट का साइन आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी ब्रैकेट पॉजिटिव नहीं होगी, वो नेगेटिव होगी. अगर इस ब्रैकेट का साइन आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसका पॉजिटिव नहीं होगा, इसका नेगेटिव होगा. दोनों ब्रैकेट का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगी, दोनों नेगेटिव नहीं होंगी. ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन आपको ये चीज बता रहा है. फर्स्ट ऑप्शन देखें दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ब्रैकेट नेगेटिव हैं. सेकंड ऑप्शन देखें एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. सी ऑप्शन देखें दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम बी को टिक करेंगे. बी के अंदर आपके पास दोनों ब्रैकेट जो हैं उनका साइन ऑपोजिट है, तो हम बी को टिक करेंगे. 100 का ऑप्शन बी हो गया. वन जीरो वन देखें, डिस्टेंस कंप्यूट करना है दो पॉइंट के बीच में, आप कर सकते हैं. ठीक है, दो पॉइंट कौन कौन से है, 0 0 एंड 3 -4. ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, y2 - y1 x2 - x1 और इस पूरे का स्क्वायर. तो आप इसको x1 y1 ले लें, एक तो x2 y2 ले लें, तो इस क्वेश्चन को आप खुद बैठ के सॉल्व कर सकते हैं. 102 देखें, इफ 3 3 इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट जो हैं एंडिंग पॉइंट वो दिए हैं उसने 2 कॉमा ए. एंड 1 कॉमा -2. और उसने आपसे ये कहा है
इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास 3,3। आप एक वैल्यू बताएं क्या होगा। तो मिड पॉइंट कंप्यूट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लाइक ये हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। अगर ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, तो हमारे पास मिड पॉइंट का x और y क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है हमारा मिड पॉइंट का। तो आप देखें मिड पॉइंट की जगह उसने 3,3 लिखा हुआ है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा x1 y1, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा x2 y2। हमने ए की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो ए हमारा वाई एक्सिस की जगह पे आ रहा है, तो हम सिर्फ इस फॉर्मूले को उठाएंगे, एक्स को नहीं उठाएंगे, जिसमें हमारा वो वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हमने फाइंड आउट करना है ना, हम सिर्फ वो वाला कोऑर्डिनेट उठाएंगे। तो ए हमारा वाई की जगह पे आ रहा है, अगर ए हमारा यहाँ पे होता तो हम ये वाला फॉर्मूला उठाते, ए हमारा वाई एक्सिस की जगह पे आ रहा है तो हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके, वाई की जगह क्या आ गया, 3। y1 क्या है, ए, y2 क्या है, -2, और डिवाइड बाय। तो मैंने इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसके अंदर मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया, सिंपल इज दैट। अब यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लें, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को इधर आके ऐड कर, ये आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लें, a is 8, नन को टिक करें। ओके जी, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं आ जाता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, ये था हमारा 102। अब हम आते हैं 103 की तरफ। वन जीरो थ्री में दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं और उन ब्रैकेट्स का उसने आपसे इंटरसेक्शन पूछे, -3,15 और ये ओपन है ये क्लोज, इंटरसेक्शन 3,20 और दोनों क्लोज, और ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 103। तो उसने ये कहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। नीचे उसने ऑप्शन दिए मैं आपको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 3,7,15। एंड टू, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने ये बताने इनके इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन से ऐसा पॉइंट है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस पॉइंट को आपने इंडिकेट करना है जो इनके इंटरसेक्शन के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनके इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लें कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो पहले हम इन सारे नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे लेके आ जाते हैं, -3, फिर बीच में कहीं 3 आएगा, फिर बीच में कहीं पे 15 आएगा, फिर आएगा आपके पास 20, यहां पर है प्लस इन्फिनिटी, यहां पर है माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट फर्स्ट इंटरवल देखिएगा, -3 से
प्लस 15, माइनस 3 इज ओपन एंड प्लस 15 इज क्लोज, तो ये आपका इंटरवल बनेगा माइनस 3 से प्लस 15 तक। ये इंटरवल बनेगा आपका माइनस 3 से प्लस 15 तक। अच्छा, दूसरा कहां से है? 3 से 20, ये आपका आ गया 3 से 20 तक, 3 to 20। मुझे अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है आप देखिएगा, ये इस हिस्से के अंदर दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है। ये वो पोर्शन है जिसमें आपके पास इसका इंटरवल भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इंटरवल भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इन दोनों का कॉमन हो गया। अब आपने ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा उसको टिक करना है। 3 इसमें आ रहे हैं, 15 भी इसमें आ रहे हैं, 7 भी इनके बीच में होगा, 3 से 15 के बीच में 7 भी आएगा। 2 ऐसा पॉइंट है जो इसमें नहीं आ रहा, तो हम 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है जी, हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, क्योंकि 2 एक ऐसा पॉइंट है जो इनके कॉमन इंटरसेक्शन के अंदर इसका पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 जो है वो इसमें नहीं आ रहा, 2 इससे पहले होगा ना। 3 भी इसमें आ रहा है, 15 भी इसमें आ रहा है, 7 भी इसमें आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, तो हमने वो पॉइंट टिक करना था जो इनके इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सिमिलरली 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इंटरवल। 104 देखें, -10, -3 दोनों ओपन ब्रैकेट, यूनियन 0, 10, इन पे दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है, और नीचे उसने ऑप्शन दिए मैं आपको, नीचे ऑप्शन दिए मैं उसने आपको -2, -3 and 0, none। ओके, अब उसने यस पूछा आपसे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनके यूनियन के अंदर लाजमी लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो इनका यूनियन निकाल लेते हैं, तो यहां पे होगा कहीं पर -10, ओपन है ये -10, ये हो गया -3, ये हो गया आपके पास 0, और ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया आपके पास प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी। ओके, -10 से -3, ये -10 से -3 हो गया, ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल हो गया, ये आपके पास फर्स्ट इंटरवल हो गया -10 से -3 का। दूसरा इंटरवल है 0 से 10 तक, ये 0 से 10 तक आ गया। इन दोनों का यूनियन ये पॉइंट और ये पॉइंट होंगे, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। अब देखें -2 यहां कहीं होगा, -2 जो होगा वो -3, 0 के बीच में आएगा, तो -2 ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, हमने उसको टिक करना है जो इसके अंदर लाजमी होगा, तो -2 इसमें नहीं आ रहा, इनके सॉल्यूशन में -2 नहीं आ रहा। अच्छा, अब 0 को चेक करें, 0 इसमें आ गया, 0 क्लोज है ना, 0 इसमें आ गया। अच्छा, -3 को चेक करें, -3 ओपन है, -3 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो चौथा ऑप्शन नन है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया है जो इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, 0, 0 इज क्लोज, 0 आपका इसके अंदर आ गया, तो आपका ऑप्शन जो है इसका सी।
मुश्किल नहीं है ये, अगर आप कोई समझ रहे हैं कि काम मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये सारा वही काम है जो हम एक्सरसाइज 1.3 में करके आ रहे हैं, ये सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी ठीक है, क्वेश्चन की शेप चेंज है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इंटरवल दिए हुए हैं, इंटरवल का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरवल का यूनियन निकालना है, तो ये चीजें तो आपको आनी चाहिए ना, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए ना। इंटरसेक्शन में हम कॉमन पॉइंट निकालते हैं और यूनियन में हम जो है वो मिक्स करके उनको लिखते हैं, मतलब उसमें कॉमन भी होते हैं, नॉन कॉमन भी, सबका मिक्सचर होता है वो। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन, तो ये चीजें तो अब आपको क्लियर होनी चाहिए ना कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। 105 देखें, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्विटी, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। 106 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वन, 6 अपॉन x-1। ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मुझे इसका आंसर निकालना है, तो इसको इधर ले जाएं, ये हो जाएगा 5, को इधर ले आए, यू हो जाएगा 1, को इधर ले जाएं, +1 हो जाएगा, तो एक्स के लिए क्या आ गई, 11 अपॉन 5। तो इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 5। ओके, इसकी ब्रैकेट फॉर्म क्या होगी, 11 अपॉन 5 और से लेस -∞। ये क्लोज होगा क्योंकि इक्वल टू के साइन साइन के साथ आ रहा है, इन्फिनिटी ओपन होगा, इसका आंसर यूं लिख सकते हैं। ऑप्शन देख लें, नन को टिक करें। ऑप्शन सब में यहां पे 1 आ रहे हैं, 1 तो आएगा नहीं, ठीक है। 106 का ऑप्शन डी हो गया। 107 मॉडुलस का क्वेश्चन है, 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज आपने की है, 2x-3 mod इज इक्वल टू 7। क्या काम करते थे, मॉड को रिमूव करते थे, राइट हैंड साइड पे दो साइन आ जाते थे, एक प्लस का एक माइनस का, फिर हम इनको अलग अलग कर देते थे, 2x-3 इक्वल टू +7, 2x-3 इज इक्वल टू -7, फिर क्या करते थे, यहां से x की वैल्यू निकालते थे और यहां से भी x की वैल्यू निकालते थे, तो ये आप खुद कर लेंगे और ऑप्शन चेक कर लेंगे 107 का, ठीक है। 108 देखें, इनक्विटी जो है मॉडुलस फॉर्म में आ रही, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 108, मॉडुलस ऑफ 5-2 अपॉन x इज लेस देन 1, मॉड को रिमूव कर दें, +-1 आ जाएगा, 5-2 अपॉन x लेस देन +1 लिखेंगे, 5-2 अपॉन x ग्रेटर देन -1 लिखेंगे। बताया था मैंने आपको, जब आप साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं, तो आपका इनक्विटी का साइन चेंज हो जाता है, प्लस पे वही आएगा, जैसे आपने प्लस को माइनस किया, इनक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लें, दिस इज -1 लेस देन 2 अपॉन x, मैं 1 को इधर ले गया और 2 अपॉन x को इधर ले आया, तो 2 अपॉन x माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 लेस देन 2 अपॉन x, x को इधर ले जाएं,
फोर टू कैसे आ जाएगा, तो एक्स लेस देन आ जाएगा 1/2, एक्स लेस देन आ जाएगा 0.5। ओके इसमें भी ऐसे करें, वन को इधर ले आए, टू अपॉन एक्स उधर ले जाए, फाइव प्लस वन हो जाएगा ग्रेटर देन टू अपॉन एक्स, सिक्स ग्रेटर देन टू अपॉन एक्स, एक्स को इधर ले जाए, सिक्स इसके नीचे आ जाएगा टू अपॉन सिक्स, एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन थ्री, एक्स ग्रेटर देन 0.33। सो इन दोनों को कंबाइन करें, सॉरी कंबाइन नहीं करेंगे, ये ऐसे रहेगा प्लस माइनस है ना। अब ऑप्शन देख लें, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 0.5 को 1/2 लिखा हुआ है, चलें 1/2 रहने दे उसको, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 1/3, लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 1/3, ऑप्शन सी हो गया आपका, ऑप्शन सी में आप देखेंगे दोनों कंडीशन आपको नजर आ रही है, ऑप्शन सी में हम टिक कर देंगे इसको। सिमिलरली 109 भी ऐसी करना है आपने, 110 भी ऐसी करना है आपने, ठीक है, 109 ऐसी है, 110 ऐसी है, अब हम देखते हैं 111। वन इलेवन में क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज लेस देन एक्स लेस देन सिक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सॉल्यूशन जो है कौन से ऑप्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, सी में दिया हुआ है माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, बी में दिया हुआ है जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू वन टू, ये माइनस वन माइनस टू हो गया, ये टू वन टू एंड वन और ये इक्वल टू के साथ, ओके उसके बाद नन को त्रिकी। आपने ये बताना है ये पूरा का पूरा आंसर कौन से ऑप्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से ऑप्शन के अंदर, मतलब इस पूरी वैल्यूज को उठाकर हम किसके अंदर इन कर सकते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको ऐसा करें, इसको अगर हम बोथ ऑफ साइड ट्रिपल ऑफ साइड टू से डिवाइड करते हैं तो ये ऑप्शन इस तरह से बन जाएगा एक्स बाय टू वन और थ्री। तो आप देखें इसका इसका जो इंटरवल है ये वन टू है, इसका इंटरवल टू से स्टार्ट हो रहा है, टू तो इसमें आ जाएगा बट सिक्स इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। अच्छा इसको भी चेक कर लें, इसमें तो एक्स अपॉन टू आ गया, इसमें एक्स अपॉन टू है नहीं, तो ये तो इसमें आ ही नहीं सकता। ओके इसको चेक करें, माइनस वन ये माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है तो टू इसमें आएगा, ये देखिए माइनस टू पे एंड हो रहा है तो टू इसमें नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन पूरा इसमें नहीं आ रहा। इसमें चेक करें टू तो आ गया बट ये सिक्स है, ये इसमें नहीं आ रहा सिक्स, तो जाहिर बात है नन को टिक करेंगे। ये ऑप्शन ये आंसर किसी भी ऑप्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन डी को हम टिक करें, ये कंप्लीट आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। अच्छा इस क्वेश्चन को
इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसका इंटरवल बनेगा 2.6 ओपन इंटरवल, ठीक है। ऑप्शन ए का इंटरवल क्या बनेगा, 1 is close, 2 is close। ऑप्शन बी का इंटरवल क्या बनेगा, 2 is closed, 1 is close। ऑप्शन सी का इंटरवल बनेगा -1, -2, बोथ आर क्लोज्ड, एंड डी का ऑप्शन बनेगा नन। सेम एज इट इज, इस क्वेश्चन को मैंने ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया, दोनों क्वेश्चन सेम है। यहां पर इनिकेटिव फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, यहां पे ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को चेक करना है कि ये ब्रैकेट इसके अंदर आ रही है, ये ब्रैकेट इसके अंदर आ रही है, ये ब्रैकेट इसके अंदर आ रही है या नन। तो जब हम इस ब्रैकेट के रिस्पेक्ट से चेक करेंगे तो देखिए 2 पे एंड हो रहा है, 2 से आगे नहीं जा रहा, ये 6 के पीछे पीछे तक, मतलब ये 5.9 तक जा रहा है। तो यहां पे तो 5.9 नहीं है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट इसमें नहीं होगा। ये ब्रैकेट वन और टू के बीच में है, तो ये पूरा ब्रैकेट भी इसमें नहीं आ सकता। ये ब्रैकेट -2 पे एंड हो गया, तो ये पूरा ब्रैकेट इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हम नन को टिक करें। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, सिर्फ ये इनिकेटिव फॉर्म है, ये उसकी ब्रैकेट फॉर्म है, ठीक है। ये आप बेशक इसको यहां ट्रिपल, तो यहां पे ऑप्शन डी। तो देखें एमसीक्यूज है ना, एग्जामिनर आपको इस शेप में भी क्वेश्चन दे सकता है, इस शेप में भी दे सकता है, तो आपको दोनों के मीनिंग आने चाहिए कि इसकी ब्रैकेट फॉर्म क्या होगी, इसकी इनिक्विटी फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी पहले आपको सॉल्व करके बता चुका हूं। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू 15। 112 मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड्स में, आप देख लीजिएगा उसमें। ओके, 113 में आपको एक इंटरवल दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन ऐसा है जो इस इंटरवल के इक्विवेलेंट है। जी, 113 के अंदर उसने आपको क्या बताया हुआ है कि 2.6 ये इंटरवल आपने चेक करना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1/6 इज लेस देन 1/x इज लेस देन 1/2। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है x-4 मॉड लेस देन 2। सी में लिखा हुआ है 1 is less than 6/x इज लेस देन 3। और डी ऑप्शन में नन लिखा। ओके जी, उसने ये पूछा है कि ऑप्शन ए का जो आंसर आ रहा है वो इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसके इक्वल है, या ऑप्शन बी का आंसर इसके इक्वल आ रहा है, या ऑप्शन सी का आंसर इसके इक्वल आ रहा है, या नन, ये हमने बता दिया। तो पहले हम ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन ए का आंसर कंप्यूट कर लेते हैं और फिर उसका आंसर चेक कर लेंगे कि 2.6 के इक्वल है या नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके पास एक्स जो है वो डिनोमिनेटर शेप में आ रहा है, इसको न्यूमरेटर में लेके आए, ये न्यूमरेटर में कैसे आएगा, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन ट्रिपल ऑफ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन
ट्रिपल ऑफ साइड, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे ट्रिपल साइड के ऊपर, तो आपके पास साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, 1/6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा x, ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं 2,6 ओपन ब्रैकेट। ओके, तो ऑप्शन ए का आंसर हमारा हमारे क्वेश्चन के इक्विवेलेंट आ गया। हमने ये देखना है कि कौन सा आसन हमारे ऑप्शन के इक्वल है। अब बी को भी चेक कर लेते हैं, बी का मॉड हटाएं, यहां प्लस माइनस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 4 लेस देन प्लस 2 होगा, एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस 4 जाकर प्लस 6 हो जाएगा, एक्स माइनस 4 माइनस 4 इधर ले जाएंगे, ये प्लस 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 लेस देन 6, दोबारा वही आंसर आ गया। सी ऑप्शन देखें, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन ट्रिपल ऑफ साइड, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, ये x अपॉन 6 हो गया, ये 1/3 हो गया, इनक्रीटी का साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग 6 ऑन ट्रिपल ऑफ साइड, ये 6 हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका आंसर भी 2,6 आ रहा है। तो ये नन गलत लिखा हुआ है, नन की जगह होना चाहिए था ऑल ऑफ अपो, ये मिस टाइपिंग हो गई है, तो ऑप्शन डी को टिक करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 के अंदर, 113 के अंदर ऑल ऑफ अबव ही लिखा हुआ है, 113 के अंदर ऑल ऑफ अबव लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो ऑल ऑफ अबव को टिक करेंगे। ये भी इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर भी यही आ रहा है, इसका आंसर भी यही आ रहा है, तो 113 का ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो गया है, मुझे खुद भी नजर आ रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो गया है, तो इस क्वेश्चन को जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 113 को दोबारा सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा मिक्स हो गया इसमें, क्योंकि मुझे देखने से मिक्स लग रहा है तो आपको भी मिक्स लग रहा होगा। टू कॉमा सिक्स ऑप्शन ए, 1/6 लेस देन 1/x लेस देन 1/2, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन ट्रिपल ऑफ साइड, 6x 2, साइन ऑफ इनक्रीटी चेंज हो जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2 लेस देन x लेस देन 6, इसकी ब्रैकेट फॉर्म ये पर। बी ऑप्शन, x माइनस 4 मॉड लेस देन 2, मॉड हटा दें, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, इसके दो हिस्से कर दें, एक पॉजिटिव साइड पे एक नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे जब लेंगे साइन आपका चेंज हो जाएगा, x इज लेस देन 2 प्लस 4 हो जाएगा, x लेस देन 6 हो गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 प्लस 4 हो गया, x इज ग्रेटर देन 2। तो इसको जब हम कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं, तो कैसे होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट 6 इस तरह। ओके, सी ऑप्शन, 1 इज लेस देन x अपॉन 6 लेस देन 3, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन ट्रिपल ऑफ साइड, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है
और x अपॉन 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 अपॉन x, सॉरी रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, x अपॉन 6 है ना, नहीं 6 अपॉन x, ये 6 अपॉन x। ओके टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन ट्रिपल ऑफ साइड 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, 6 अपॉन x का रेसिप्रोकल x अपॉन 6 हो जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3 हो जाएगा, साइन ऑफ इनफिनिटी आपका चेंज हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग 6 ऑन ट्रिपल ऑफ साइड, 6 को यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 6 आ गया, ये आपका 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 टू द 6 हो जाएगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 6, इसको आप 2.6 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी ये आ रहा है, इसका आंसर भी ये आ रहा है, इसका आंसर भी ये आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब मिक्स नहीं हो रहा, अब इजीली हर पार्ट को मैंने अलग अलग शो कर दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। 114 भी ऐसी है, आप खुद करेंगे। 115 हम इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, 115 आप खुद करेंगे। 116 भी आप खुद कर सकते हैं, 113 की तरह है। 117 इनिक्विटी है, खुद कर सकते हैं। 118 मॉड है, खुद कर सकते हैं। 119 मॉड है, खुद कर सकते हैं। 120 देखिएगा, से कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ ऑफ साइड, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 एंड प्लस 2, ऑप्शन देख लें, पहले इसका ग्राफ बना लें, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया प्लस 2, तो एक्स इज लेस देन माइनस 2, एक्स इज ग्रेटर देन प्लस 2, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, माइनस इनफिनिटी से माइनस 2, माइनस 2 इज क्लोज, माइनस इनफिनिटी इज ओपन, और इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, प्लस 2 इज क्लोज्ड, प्लस इनफिनिटी इज ओपन, और इन दोनों का यूनियन। तो ये देख लें कौन सा ऑप्शन आपको बता रहे, ऑप्शन ए। ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, ये क्वेश्चन था हमारा मॉडुलस के अंदर, ये केस के अंदर ये आंसर आया था और हमने इसको इस तरह से लिखा था, ये हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। सिमिलरली 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, ये आप खुद देखेंगे। अब हम आते हैं 1:4 की तरफ, 1:4 उसे ये कहा है कि एक नंबर दिया हुआ है 25.6952, इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है 100, 100 के नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करना है। अच्छा, ये राउंड ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं, राउंड ऑफ हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा हो, हमने उसको शॉर्टकट वे में लिखना हो, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसमें 10 डिजिट्स हैं और हम चाह रहे हैं उसको 3 डिजिट में लिखते हैं, तो ये कहलाता है राउंड ऑफ। बहुत बड़ा नंबर है,
हम उसको शॉर्टकट करके छोटे नंबर की फॉर्म में लिख दें, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। तो बड़े बड़े नंबर्स को हम जब शॉर्टकट वे में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। हम उसको राउंड ऑफ करके उनको डिफाइन करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के अंदर एक चीज होती है सिग्निफिकेंट फिगर, और एक होता है डेसिमल प्लेस। इन दोनों में क्या फर्क है, पहले मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूं, और एक साइंटिफिक नोटेशन भी होती है, ठीक है, वो भी मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर हम इन प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। तो अभी 1 to 4 हम छोड़ देते हैं, आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि राउंडिंग ऑफ के रूल क्या हैं, हो मे भी आपको पता भी हो, ठीक है, मैं दोबारा आपको डिफाइन कर देता हूं, और फिर हम इन प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। ओके जी, एक नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सपोज आपके पास क्वेश्चन ये आया है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये क्वेश्चन आपका, कि इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है, और उसने मेथड क्या बताया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि आपने पहला पहला नंबर जो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं होगा, आपने अपने पहले पहले नंबर को नॉन जीरो से काउंटिंग करना स्टार्ट करना, उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहे, 1, 2। जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है, जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर का है 1, 2, 3, इसके आगे का नंबर देखेंगे, अगर वो 5 से लेस है तो आपने इसका आंसर एज इट इज लिख देना है, दैट इज इक्वल टू 1, 2। ओके, अब देखिएगा, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसी क्वेश्चन को, इसी नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने राउंड ऑफ करना है। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उससे नेक्स्ट नंबर देखेंगे, वो 6 है। अगर नेक्स्ट नंबर 5 हो या उससे ग्रेटर हो, हम प्रीवियस में 1 ऐड करते हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर क्या बन जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब आंसर में पॉइंट लिखेंगे, काउंटिंग करते हुए इग्नोर कर देंगे, जब आंसर लिख रहे हैं उसमें एज इट इज पॉइंट की जो लोकेशन है वो वैसे की वैसे आएगी, और आगे आ जाएगा 6। 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखें और 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखें। अच्छा, अब वो आपसे ये कहते हैं इसको आप राउंड ऑफ करें अप टू 1 decimal place। इसको हम 1 dp भी पढ़ते हैं, 1 decimal place, 1 dp, अप टू 1 decimal place हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे डेसिमल के बाद, डीपी का मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 decimal place है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, फिर उसके आगे वाला डिजिट देखेंगे, वो 6 है, वो 5, 5 से अबव है, तो इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो 1 decimal place तक इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4.6।
अगर वो आपसे कहता है कि इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 DP तक, मींस 3 decimal प्लेस तक, तो अब हम डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद 1, 2, 3 यहां तक राउंड ऑफ करना है, नेक्स्ट 8 है तो ये 1 ऐड कर देंगे इसमें, 1, 2, 3, 4.568। तो सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेस इनमें क्या डिफरेंस होता है? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम नंबर को स्टार्ट से करते काउंटिंग करना, अगर वो जीरो नहीं है तो, और डेसिमल प्लेस में हम डेसिमल के बाद काउंटिंग को स्टार्ट करते। अब ये एक एग्जांपल थी। अच्छा, अब अगर एक कोई एग्जांपल ये आ गई आपके पास, 0.00001, 2, 3, 4, 5 ये नंबर है, इसको वो कहते हैं कि आप राउंड ऑफ करें, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहां पे तो ना पहला पहला नंबर नॉन जीरो था, हमने यहां से काउंटिंग शुरू की थी, हमने यहां से स्टार्ट किया, ये जीरो आ गया, इसको छोड़, जीरो 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 जीरो, ये फर्स्ट नंबर है जो नॉन जीरो है, हमने अपनी काउंटिंग यहां से स्टार्ट करनी है, यहां से स्टार्ट नहीं करनी, फर्स्ट नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो था, ओके यहाँ पे जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, ये पहला नंबर आपका नॉन जीरो होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ये सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अब आप इसके आगे, इसके आगे क्या है, 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 यहां तक इसको काउंट करें। अब इसके आगे 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00001, 2, 3। ओके जी, और अगर इसमें डेसिमल प्लेस आ गया, मतलब इसमें वो कहता है कि 5 decimal प्लेस, अब हम डेसिमल प्लेस के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे, 1, तो अब इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अब इससे नेक्स्ट नंबर देखेंगे 2 है, 5 से लेस है, तो इसका आंसर होगा 0.00001। तो ये डिफरेंस है डेसिमल प्लेस का और सिग्निफिकेंट फिगर का, ये डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट फिगर को हम नॉन जीरो से स्टार्ट करते हैं, डेसिमल प्लेस को हम डेसिमल के बाद शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है, साइंटिफिक नोटेशन। हम अक्सर जब भी कैलकुलेटर यूज कर होते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा आंसर आया था, लाइक दिस वन, 5, 8, 7.36431098 एंड सो ऑन, और वो इतना बड़ा आंसर होता है कि वो कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा होता, स्क्रीन पे नहीं आ रहा होता, तो कैलकुलेटर ना उसका आंसर जो है ना वो इस तरह से शो कर देता है, 5.87 × 10⁻³। कैलकुलेटर के अंदर जब एक बहुत बड़ा कोई आंसर आ रहा हो, तो क्योंकि कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है 12 digits तक, नॉर्मल कैलकुलेटर जो होती है, जो इससे ज्यादा हैवी होते हैं उसमें 14 digits तक स्क्रीन होती है, उसमें मतलब 14 digits तक आंसर आ सकते हैं स्क्रीन पे, जब उससे भी बड़ा आंसर हो जाता है ना, तो फिर आपका कैलकुलेटर आपके नंबर्स को ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके आपको बताता है, ये है साइंटिफिक नोटेशन, मतलब पहले डिजिट के बाद डेसिमल और उसके बाद बाकी नंबर्स और इनटू 10 की पावर, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, मतलब ये भी साइंटिफिक नोटेशन है।
मतलब प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। अच्छा प्लस माइनस का कंसेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। मतलब अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 587.364, मुझे इसकी साइंटिफिक नोटेशन डिफाइन करनी। तो मैंने अभी भी बताया था साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल। तो हमारा डेसिमल यहां पे पड़ा हुआ है, तो हम अपने डेसिमल को यहां पर ला रहे हैं, मतलब 587.364। मैंने डेसिमल को यहां से उठा के यहां लिख दिया, तो कितने डिजिट्स में बैग किया, 1, 2, आपने 10 की पावर के अंदर इतने डिजिट्स को ऐड कर। ठीक है जी, क्या काम करेंगे, जब भी किसी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमने पहले नंबर के बाद एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल को डिफाइन करना है। एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल को डिफाइन करना है। तो अब हमारा डेसिमल जो था वो इस जगह आ रहा था, तो हम इसको मूव करके बैक साइड पे जा रहे हैं। तो जितने डिजिट बैक साइड पे जाएंगे उतना ही हम 10 की पावर के अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में है। अच्छा सपोज हमारे पास ये प्रॉब्लम था, इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, तो काम तो वही करेंगे ना, डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाएंगे। ये तो अब हम डेसिमल को कितने डिजिट क्रॉस करके राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम यहां पर इनटू 10 की पावर 5 तो लिखेंगे मगर नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आप किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे। जितने डिजिट्स आपने उसको मूव किया है 10 की पावर में वो ऐड हो जाएगा। और अगर आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर के अंदर -1 होना शुरू हो जाएगा जितने भी डिजिट्स होंगे। एक ये एग्जांपल हो गई, एक ये एग्जांपल हो गई। अच्छा एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर ऑलरेडी 58.76 × 10^2 ये पहले से आपके पास है क्वेश्चन के अंदर, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहते हैं कि डेसिमल यहां होना चाहिए, डेसिमल को यहां लिखते हैं क्योंकि हमने डेसिमल को बैक साइड पे मूव किया है लेफ्ट साइड पे मूव किया है 10 की पावर में 1 ऐड हो जाएगा। 1 क्यों ऐड होगा, क्योंकि हम एक डिजिट बैक गए, अगर सपोज हम 2 डिजिट बैक जाते तो यहाँ पे +2 हो जाता, ये 4 हो जाता, तो 10 की पावर जो भी है ना उसके अंदर प्लस ऐड करते हैं। और अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 0.576 × 10^4 या -4, पहले से -4 है, तो अब हम डेसिमल को यहां पे लाना चाह रहे हैं 5.76 × 10^10। अब क्योंकि हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं डेसिमल को 1, 2 डिजिट तक, इसमें -2 हो जाएगा -6। तो ये है हमारे पास राउंडिंग ऑफ के रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर,
डेसिमल प्लेस, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, कभी कभी वो डेसिमल प्लेस नहीं लिखता, वो आपसे कहते हैं कि राउंड ऑफ टू फाइव डिजिट, मतलब 5 डीपी का मतलब ये भी होता है। अगर वो डीपी नहीं लिख रहा तो राउंड ऑफ लिख रहे हैं, तो राउंड ऑफ और डीपी का मतलब एक ही है, सिग्निफिकेंट अलग है, सिग्निफिकेंट अलग है। डीपी और राउंड ऑफ इन दोनों का मतलब एक जैसे है। तो कभी कभी वो लिख देते हैं इस नंबर को आप 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करें। 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट को उठाना है, डेसिमल से पहले तो सिग्निफिकेंट शुरू होगा। तो यहां पर राउंड ऑफ में हम डीपी वाला रूल अप्लाई करें। तो ये चीजें आपको आई थिंक पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज आपको पता चल गया। ठीक है, अगर आपको इन चीजों का पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो समझ ले, क्योंकि आगे जो हमारे पास 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इसी टाइप की। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको बताया है किसी भी किस्म का कोई भी टॉपिक हो, आप उसकी डेफिनेशन देखना चाहें, आप उसके अबाउट एग्जांपल्स को देखना चाहें, नेट इज अवेलेबल। आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, आपके पास नेट अवेलेबल है। आप नेट पे वो सर्चिंग करें, लाइक अगर आप साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ रूल्स और साइंटिफिक नोटेशन, इसको मजीद अगर आप देखना चाहें एग्जांपल्स के थ्रू, आप नेट पे जाएं, आप नेट पे सर्च करें, आपको बेतहाशा वहां पे एग्जांपल्स मिलेंगी सॉल्व की। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे क्लास में टाइमिंग कम होती है, हमारे पास भी कम होती है, आपके पास भी कम होती है, हम वहां पे बहुत डिटेल में नहीं बता सकते आपको। फिर हमारे पास उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप एक लिमिट तक ही हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, मतलब अब 24 आवर्स का एक दिन है तो आप 24 आवर्स के रिस्पेक्ट से हमारे क्वेश्चन पूछेंगे ना, 24 आवर्स से ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना। तो आपके पास नेट अवेलेबल है, आप नेट पे इन चीजों को सर्च करके वहां से भी खुद बैठ के इनको पढ़ सकते हैं। मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स या स्टैट्स थी, मतलब और भी जो सब्जेक्ट्स, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, जाएं गूगल पे सर्च करें, उसकी बैठ के छुरी पढ़ें, आपको नेट पे मतलब एक चीज को बहुत डिटेल में जाके वो डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आप वो पढ़ें, इंशाल्लाह। देखो, आपने आईसीएमए के अंदर एडमिशन लिया ना, तो आपको ये चीजें फेस करनी आनी चाहिए। कोई भी डिफिकल्टी है दैट इज नॉट अ डिफिकल्टी, दैट कैन बी सॉल्व। कैसे सॉल्व हो सकती है? थोड़ी सी मेहनत करके। अब आप कहें मैं मेहनत भी नहीं करूं, मैंने तो एडमिशन ले लिया, मैंने तो अपने पेरेंट्स पे जो है वो उन पे एहसान कर दिया कि मैंने आईसीएमए के अंदर एडमिशन ले लिया है। अब मुझे पेरेंट्स ही पढ़ाएंगे, मुझे टीचर ही पढ़ाएंगे, मुझे आईसीएमए वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा, वरना मैं बैठा हूँ खामोशी के साथ। ऐसा नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पेरेंट्स ने अपना काम कर दिया, आपको एडमिशन दिलवा दिया, उनका काम एंड हो गया। हमारा काम क्या है? हमने आपको पढ़ा दिया। अब सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि आपने उसको कैसे करना। तो नेट आपके पास अवेलेबल है, जो चीज टीचर आपको पढ़ा रहे उस चीज को अगर आपने और ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो आप नेट पे जाएं, वो टॉपिक सर्च करें, वहां पे आपको बेतहाशा बेसिक्स और उससे फिर लेवल बाय लेवल डिफिकल्टी की तरफ आपको बहुत सारे एग्जांपल्स नजर आएंगे। वहां से अगर कोई नया पॉइंट ऐसा आपको मिल जाता है जो समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए आके हमारे से, सर ये मैंने नेट पे सर्च किया था, मुझे ये समझ में नहीं आया। कुछ कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो हमारे लेवल्स की नहीं होती, वो टीचर आपको बता देगा नहीं ये लेवल आपका नहीं है, ये आपसे अबव का लेवल है, इसको छोड़। कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो आपके लेवल की होती हैं, बट
मे बी वो टीचर आपको बताना भूल गया क्लास में, वो जब आपसे उससे पूछेंगे तो कहेगा हाँ ये चीज दी थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको आपको डिफाइन कर दे। तो इस किस्म की हरकतें भी किया करें नेट के ऊपर ना, और तो हम बहुत करते हैं, बाकी इस किस्म के भी काम करें, इस किस्म की सर्चिंग करें, ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आपने माशाल्लाह एडमिशन ले लिया, अब इसको करना है। अब ये नहीं देखना कि ये मुश्किल है, ये यूं है, ये फलां है, ये स्क्रीन छोटी है, ये फ्लू है, ये वो है, सो ऑन। बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे, बट उनको फेस करना है आपको, उनको फेस करना है। ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, समझना है। कैसे समझना है? थ्रू नेट, उनको समझना है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। अपने टीचर को आप क्वेश्चन सेंड करें, उनसे पूछे कि ये चीज मुझे समझ नहीं, मुझे समझाए थोड़ा। टीचर आपको दूसरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेगा, एक वे आपका वो था जो क्लास में था, दूसरा वे कोई और एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करेगा। टीचर के पास तो बहुत सारे एग्जांपल है ना समझाने के, आप समझने वाले बने, टीचर आपको समझे। ये नहीं गए कि मुश्किल है, मुश्किल वो होता है जो समझ में नहीं आता, सिंपल इज दैट। मुश्किल वो होता है जो समझ में नहीं आता, आसान वो होता है जो समझ में आ जाता है। हम किसी क्वेश्चन को आसान क्यों कहते हैं? वो समझ में आ जाता है हमें, उसमें पूछा क्या गया है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारा हमें समझ में आ गया। हम कहते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है सर, आसान नहीं होता, वो आपको समझ में आ गया। सर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, वो समझ में नहीं आया कि उसमें करना क्या। अगर आपको पता चल जाए कि इसमें करना क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें पूछा क्या गया है, तो वो क्वेश्चन मुश्किल रहेगा ही नहीं। तो मुश्किल हम खुद बनाते हैं कह के, तो मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल सिर्फ वही होता है जो समझ में नहीं आता। आप कोशिश करें समझने की। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ आते हैं। 124 में एक नंबर दिया हुआ है, उसने कहा है कि इसको आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100। नंबर है आपका 25.6952। इसको आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू 100। क्या मतलब हुआ? 100 में कितने जीरो होते हैं? दो। तो आपने डेसिमल के बाद टू डिजिट तक इसको नियरेस्ट करना, इसको राउंड ऑफ करना। तो ये टू डिजिट तक राउंड ऑफ क्या लिखा जाएगा? 25.69। अब 9 के आगे क्या है? 5। मैंने कहा था कि जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट अगर 5 हो या उससे ग्रेटर हो, हम पिछले डिजिट के अंदर 1 ऐड कर देते हैं। जब आप 69 के अंदर 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 70। ये इसका राउंड ऑफ हो गया 100 के नियरेस्ट। ऑप्शन में देख लें कहां लिखा हुआ है, नन को टिक करें। ऑप्शन में 69 लिखा हुआ है, 69 गलत है, 70 होगा इसका राउंड ऑफ। 69 उस वक्त होता है जब यहां पे 4 होता, अब यहां 69 आएगा। अगर यहां पे 5 है या उससे अबव नंबर है तो फिर यहां पे 69 नहीं आएगा, यहां पे 1 ऐड हो जाएगा, 70। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखें, 799.96। इस नंबर को कहते हैं कि वन सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। वन सिग्निफिकेंट फिगर 7, 7 के आगे क्या है? 9। ये वन सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 8 बन जाएगा। ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन। वन टू सिक्स देखें, 0.00, 5682। इसको आपने करना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या करेंगे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए? 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। इसके आगे 2 है,
ये इसका आंसर होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन बी, वन टू सेवन देखें, 56.892, इसको आपने राउंड ऑफ करना है करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस, टू डेसिमल प्लेस। तो टू डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है, हमने डेसिमल के बाद टू डिजिट लेने हैं, डेसिमल के बाद टू डिजिट। तो डेसिमल के बाद जब टू डिजिट लेंगे ये बन जाएगा 56.89। 89 क्या के टू है तो इसको राउंड ऑफ 89 ही करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ओके जी, ऑप्शन देख लें, 56.89 ऑप्शन डी। वन टू एट देखें, 8276.27, 8276.27, इसको कहता है कि आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में और साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखते हैं। नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए, तो पहले तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक आएंगे, सॉरी पहले हम इसको करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 8276.27, ठीक है। पहले आप इसको लेके आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल को यहां पे लाना है, तो डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है। जब डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव हुआ तो हमने 10 की पावर के अंदर प्लस करना है, कितने प्लस, 1, 2, 3। ओके, अब उसने कहा है कि इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आपका यहां से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3। अब इसके आगे 6 है, ये हो जाएगा 8, ये बनेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में, और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका राउंड ऑफ। तो 1 to 8 का ऑप्शन देख लें क्या आता है, 8.28 × 10³। ऑप्शन सी। तो आप देखें इसमें हमने दो काम किए, एक तो अपने नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में भी लिखा है, और दूसरा क्या काम किया है, अपने नंबर को राउंड ऑफ करके भी लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पहले हमने अपने उसको नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख दिया, डेसिमल को आगे पीछे मूव करके, और फिर हम उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये 1 to 8 हो गया। 1 to 9 आपके पास दो नंबर दिए हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनको आपने एड कर दिया। तो एड या सबट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, 8 × 10⁻¹⁵ और 4 × 10⁻¹⁵। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर। आपने करना है इन दोनों को ऐड। तो ऐड उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक आप इन दोनों में जो 10 की पावर है वो एक जैसी ना बना दें। अगर आपने, सुनिएगा गौर से, अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के नंबर्स को ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो, पहला काम आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के अंदर 10 की पावर को एक जैसा बनाएंगे ऐड और सबट्रैक्ट करते हुए।
10 की पावर्स को एक जैसे बनाएंगे। जैसे माइनस फोर है, या तो इसको माइनस फाइव बना दें, माइनस फाइव है ना, या तो इसको माइनस फोर बना दें या माइनस फोर को माइनस फाइव बना दें। माइनस फोर को माइनस फाइव कैसे बनाएंगे, जब आप इसके अंदर माइनस वन ऐड करें, और माइनस फाइव को माइनस फोर कैसे बनाएंगे, जब आप इसके अंदर प्लस वन ऐड करें। अच्छा, प्लस वन ऐड करने का मतलब यह है कि आपने डेसिमल को जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर, और माइनस वन करने का मतलब यह है कि आपने डेसिमल को राइट साइड पे मूव कर। ओके, 8 × 10⁻¹। मैं इसको माइनस फोर करना चाहता हूं, ये देखिएगा 10⁻⁴ हो गया। माइनस फोर कैसे होगा, जब मैं माइनस फाइव के अंदर प्लस वन करूंगा। प्लस वन कैसे होगा, डेसिमल यहां पे पड़ा हुआ है सपोज, क्योंकि ये देखे ना 8.0 और 8, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। 8.0 और 8, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जब भी कोई नंबर ऐसा आ जाए आपके सामने जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो आप उसको ऐसा शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक जीरो ले लिया। अब आप क्या करेंगे, डेसिमल को यहां ले आएंगे और इसमें प्लस वन कर। तो जब आप माइनस वन प्लस वन करेंगे, ये बन जाएगा 10⁻⁴। अच्छा, अब अगर आप 4 × 10⁻⁴ को, इसको माइनस फाइव करना चाहते हैं, तो ये माइनस फाइव कैसे होगा, जब आप माइनस फोर के अंदर माइनस वन करेंगे। जब माइनस वन करेंगे, इसके आगे पॉइंट है, जब माइनस वन करेंगे तो आप पॉइंट को एक डिजिट और आगे ले जाएंगे। ये बन जाएगा 40.0 × 10⁻¹। अब इसको इसमें ऐड करते हैं, 8 + 40, 10⁻⁵, 10⁻⁵ कॉमन निकाल लें, इसको इसमें ऐड कर दें। और अगर माइनस फोर है, ये माइनस फोर है, इसको इसमें ऐड कर दें और 10⁻⁴ लिख दें। ऑप्शन देख लें, 10⁻⁴, 4.8 × 10⁻⁴ ऑप्शन बी, मतलब उसने दोनों की पावर को माइनस फोर बनाया है, क्योंकि माइनस फाइव को आंसर नहीं आ रहा। देखो, अगर हम माइनस फाइव बनाते हैं तो 10⁻⁵ कॉमन आ गया, 40 + 8 ये हो गया 48, माइनस फाइव के साथ ये आंसर आएगा। माइनस फोर कॉमन निकालें और 0.8 और 4 इसको ऐड कर दें, ये बन जाएगा 4.8। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर आ रहा है 4.8 × 10⁻⁴, ऑप्शन इज बी। ठीक है बहुत आसान, मुश्किल क्यों है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, ओके जी, इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, फिर मैं आ जाता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द इंटीजर एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई। लीस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको पता है ना, एलसीएफ, एलसीएम, एलसीएफ पता है ना आपको, तो 130, 131 तो आप खुद ही कर लेंगे, एचसीएफ, एलसीएम।
किया है ना बचपन में, बहुत सारे किए हैं आपने क्वेश्चन, एलसीएम के भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, एचसीएफ के भी किए हुए हैं, तो 130 131 आई थिंक आप खुद कर लेंगे, इजी है, मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं आप। 132 देखें, द सिंपलीफाई वैल्यू ऑफ -2 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, ये भी आप कर सकते हैं। 133 भी कर सकते हैं, 134 भी कर सकते हैं, 135, 136, 137, ये सारे क्वेश्चन अब आप खुद कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल काम नहीं है। वन थर्टी टू देखिए, क्यूब रूट्स ऑफ -2 का स्क्वायर, ओके। अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, तो इसका मतलब होता 4 का क्यूब रूट, इसका मतलब ही होता, ओके। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 2 पे है, माइनस पे नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि नेगेटिव आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, दिस इज नॉट आर रियल नंबर, नन को टिक करें। ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी को भी देख ले जरा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है -4 की पावर 1/3, ये इसके इक्वल नहीं है, ख्याल कीजिएगा, यहां पे भी वही केस आ रहा है, 1/3 सिर्फ 4 पे है, माइनस पे नहीं है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, कहीं आप इनको एक जैसा बना रहे हैं, तो ऑप्शन बी टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे, नन ऑफ अबव। वन थर्टी थ्री सिंपल आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, 2 into 4 1/3, 8 1/3, 2 की पावर 3 1/3, 3 कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया। ऑप्शन इज ए। वन थर्टी थ्री हो गया, 134 भी आप इजीली कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, 1/2 की पावर -3, ये हो जाएगा 8, सबको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें और आंसर निकाल लें, ठीक है, 134 आप खुद कर सकते हैं। 135 देखें, इफ ₹2400 are divided into 3 person A, B, C such that A gets 5 if C gets 3, B gets 4 if C gets 2, how much rupees does A get? ये तो वही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने इस हैंडआउट में पहला पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, रेशियो प्रोपोर्शन का। तो 135 आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको डेटा बना के दे देता हूं, आप इसको खुद कर लेंगे, जो अमाउंट डिवाइड करनी है, अमाउंट टू बी डिवाइडेड वो क्या है आपके पास, इक्वल्स टू 2400। रेशियोज क्या थी, ए गेट्स 5, सी गेट्स 3, इट्स मीन ए रेशियो सी जो है वो 5:3 हो गया,
एंड बी गेट्स 4, सी गेट्स 2, तो सी रेशो बी आपके पास 2:4 हो गया। तो ए रेशो बी रेशो सी करेंगे, ए रेशो बी, सी सेंटर में आएगा और बी यहां पर। ओके, ए रेशो सी आपके पास 5:3, सी रेशो बी है आपके पास 2:4, इनको ऐसे zigzag में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10, 3 to the 6, 4 to the 12, इसको एक टेबल से कैंसिल कर दें, 5, 3, 6, 2 से कैंसिल कर दें, 2, 5 the 10, 2, 3 the 6, 2, 6 the 12, 5, 3, 6, फिर सम ऑफ रेशियो निकालेंगे जिससे हमने पहले सॉल्व किया था। अब उसने किसका शेयर पूछे, हाउ मच रुपीज डज ए गेट, ए का शेयर निकाल, तो ए का शेयर क्या होगा, सम ऑफ रेशियो, ए की रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। ओके, इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, एट टू एट कुछ इस तरह से आता है आंसर, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कोई अगर मिस्टेक हुई है तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपने करना है, इसको ए का शेयर निकालना है, सम ऑफ रेशियो करके इसको इस तरह से करना, तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7, 5, 6 and 10 आर द रन्स इन द फर्स्ट 4 ओवर्स रिस्पेक्टिवली, द बैट्समैन मेक्स 8 रन इन फर्स्ट 3 बॉल्स ऑफ 5th ओवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर। जी कर लेंगे, इसको एवरेज कंप्यूट करना है, एवरेज का फॉर्मूला, जितने नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और टोटल नंबर्स उसको डिवाइड कर देते हैं, आपके पास एवरेज आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 ओवर्स के अंदर जो स्कोर हुआ है वो उसको बता दिया आपको, पांचवें ओवर की अभी तक 3 बॉलें हुई हैं, पांचवें ओवर की 3 बॉल में बैट्समैन ने 8 स्कोर कर लिए, वो ओवरऑल एवरेज स्कोर पूछ रहा है आपसे, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप, ना कर सके तो मुझे बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा आपको इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोशिश करें हो जाएगा। ओके जी, 37 देखिएगा, 137, द एवरेज प्राइस ऑफ 4 बुक इज 80 आफ्टर अ शॉर्ट टाइम एंड अदर बुक इज परचेज्ड एंड नाउ द एवरेज बिकम 89, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द न्यू बुक व्हिच हैज बीन परचेज्ड। ये भी आसान है, कर लेंगे, कर लेंगे ना, ये भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है, चलें कर देते हैं, 137 कर देते हैं, 136 खुद करना क्योंकि 36 से ज्यादा आसान है, 137 देखें, तो ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है, ये भी आसान है, कहीं आप ये ना कहेंगे दोनों छोड़ दिए सर ने। ओके, द एवरेज प्राइस ऑफ 4 बुक इज 80 रुपीज, After a short time another book is purchased and now the average becomes 89. तो जब आप एक और नई बुक परचेज करेंगे तो टोटल हो जाएंगी 5 बुक्स, उसकी एवरेज कहते हैं 89 होगी। आप नई बुक की प्राइस बताएं, तो हम क्या करेंगे, इसकी टोटल प्राइस निकाल लेंगे, इसकी टोटल प्राइस निकाल लें,
मतलब चार बुक्स की एवरेज ये है तो उनकी टोटल प्राइस क्या होगी, फाइव बुक्स की एवरेज ये है तो फाइव बुक्स की टोटल प्राइस क्या होगी, दोनों को माइनस कर देंगे आपके पास नई बुक की प्राइस आ जाएगी। तो टोटल प्राइस ऑफ फोर बुक्स क्या होगी, 80 × 4 एवरेज को नंबर ऑफ बुक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास फोर बुक्स की प्राइस आ जाएगी। सिमिलरली टोटल प्राइस ऑफ फाइव बुक्स, इसमें 89 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 445। ओके, प्राइस ऑफ न्यू बुक क्या होगी, दोनों फिगर्स को माइनस कर दें तो ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, सॉरी 2 और ये 1 हो गया, 1 to 5। 1 to 5 का ऑप्शन देख लें, 80 और 89 और दोनों को माइनस किया, 5 to 1, 1 to 5 आ रही नई प्राइस। तो 1 to 5 ऑप्शन में नहीं है, नन को टिक कर। वन थर्टी एट कैलकुलेटर का क्वेश्चन है, नहीं कैलकुलेटर का नहीं है, आपके हाथ का क्वेश्चन है। ओके जी, 138 देखें, 138 में आपको एक एक्सप्रेशन दी है, -2x^-3 डिवाइड बाय -4x^-2 x^-2 और होल की पावर 2। और -8x^-6 और उसका क्यूब रूट और ये मल्टीप्लाई वाला है। इसकी उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछी है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म पहले इसको आप डिवाइड कर दें, -2x^-3 डिवाइडेड बाय -4x^-2 का होल स्क्वायर इंटू -8x^-6 और उसका स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट है। तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं। ओके जी, अब जो पावर्स हैं उनको ओपन कर लें। ओके जी, ये अपॉन में आ जाएगी, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा -8x^-6^1/3 -2x^-3 -4x^-2 का स्क्वायर, ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी, ये पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी। जी, उसके बाद अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3, 4
ओके जी, इनकी पावर्स को अलग अलग कर दें। माइनस 8 की पावर हो जाएगी 1/3, एक्स की पावर हो जाएगी 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2। इसकी पावर को अलग अलग कर दें, -2 की पावर 3 हो जाएगी और एक्स की पावर 3 हो जाएगी और -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16 और एक्स की पावर हो जाएगी -4। ओके जी, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर ये प्लस में है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। -2 की पावर 3 × 16 बच जाएगा। -8 की पावर 1/3 अपॉन ये -8 हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी ये, और एक्स की पावर हो जाएगी -5 + 4, ये -1 हो जाएगा अपॉन 16, ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। -8 की पावर 1/3 -1, एक्स की पावर -1 अपॉन 16, ये 1/3 -1, ये हो जाएगा -2/3। और x की पावर -1 अपॉन 16, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके जी, ये आ रहा है आपके पास -8 की पावर, इसको आप कर दें 2 और इसकी पावर कर दें -1/2, लिख सकते हैं -1/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ये मल्टीप्लाई कर -2/3 हो जाएगा ना, मैंने 2 को अंदर कर दिया, 1/3 को बाहर कर दिया। -8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो 64 जो होता है 4 की पावर 3 होता है, ये 3 3 कैंसिल हो गया, और 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। -1 नीचे आ जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, नीचे आपके पास एक्स भी आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/64x। ऑप्शन देख लें, 1/64x। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इस क्वेश्चन को जरा आप खुद भी देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, आंसर यही आ रहा है हमारा। चलें आप भी चेक कीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा, अगर यही आ रहा है तो फिर हम ऑप्शन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि हैंडआउट हमारे हाथ का ही टाइप किया हुआ है ना, तो इसमें कुछ किसी से पूछना थोड़ी हमने, इसमें हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक आ गई हो, और अगर आंसर चेंज आ रहा है तो फिर हम चेक कर लेंगे। आप भी चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसकी पावर्स को प्लस माइनस करते हुए, मल्टीप्लाई करते हुए, डिवाइड करते हुए एक दफा आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा 138 को, मैं भी रिव्यू कर दूंगा। अगर यही आंसर आ रहा है तो हम ऑप्शन चेंज कर देंगे, और अगर किसी और आंसर पे आ रहा है तो उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। 138 ये फिलहाल आप इसको रिचेक करेंगे, मैं भी इसको रिचेक करूंगा। 139 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और 140 भी ऐसी है, इसको भी आप इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फर्स्ट हैंडआउट जो है बेसिक्स मैथमेटिक्स का, ये आज अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए जाएं,
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है, आप इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप ले लें इसका पहले स्क्रीनशॉट, फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आए थे। ओके जी, एमसीक्यूज नंबर 100 का ए क्यू नहीं होगा, ये तो देखना पड़ेगा। 100 क्या था एमसीक्यूज, मैंने तो लैपटॉप ही बंद कर दिया। अच्छा जी, ओपन ब्रैकेट, और ये फिर मैं देख के बताऊंगा आपको, व्हाट्सएप पे ग्रुप में देख के बता दूंगा 100 का ए क्यू नहीं होगा। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के मीनिंग दोबारा बता दीजिए, मैंने बता दी दोबारा, मैंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 120 के ऑप्शन में तो ओपन ब्रैकेट है सारी, होगी सारी, हम तो अपने ऑप्शन को देखने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में तो आपने नंबर ही चेंज कर दिया, कहां से चेंज कर दिया, 124 का 123 बना दिया। तो भाई ऐसे ही होता है भाई, कहां से आ रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही होता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर में ऐसे ही किया जाता है भाई, जो उसके रूल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उसमें ऐसे ही होगा, 1234 की जगह 123 आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। चेक कर लो ना आप, आपको एक ऑप्शन बता दिए, नेट पे जाके चेक कर लो आप। अगर आप कह रहे हो मैंने आपको गलत बताया है तो आप नेट पे जाके चेक कर लो, क्यों आ रहे हो यहाँ पे पढ़ने के लिए। जब आप टीचर को गलत कह रहे हो तो फिर आपका दिल ही साफ नहीं है। अगर आपको टीचर गलत पढ़ा रहा है तो नेट पे बैठ के पढ़ लो ना, नेट पे जो कुछ लिखा है उसको देख लो, उसको फॉलो कर लो, वहां पे क्या लिखा हुआ है। 1234 का सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर क्या होगा, जरा देखो नेट पे जाके सर्च करो क्या बताता है आपको, उसके बाद टीचर पे ब्लेम करना कि टीचर ने आपको गलत पढ़ाया। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं समझने के लिए, पता नहीं चीज का पता है नहीं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, टीचर ने गलत बताया है क्योंकि नंबर चेंज हो गया है। तो भाई नंबर चेंज होगा जब आप सिग्निफिकेंट फिगर करोगे ना, नंबर आपका चेंज होगा। 1234 का जो है, जब आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर लोगे ना, इसमें आगे जीरो आएगा, फिर आपको के नंबर चेंज हो गया है, क्या करें, रूल ही ऐसे। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, बिकॉज 5 से आगे 2 है, विच हैज लेस देन 5। वो देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, अगर मुझे मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो देख लीजिएगा आप। 10 की पावर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। आप देखें आपके जितने भी नंबर्स हैं ना, 0 से 9 तक जो भी डिजिट्स होते हैं, ये इनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। मतलब अगर आपके बाइनरी नंबर होते हैं ना, वो 0-1 होते हैं, बाइनरी नंबर्स, उसमें 2 नहीं आता। इसी तरह जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, उसमें 10 नहीं आता, 0 से 9 तक होते हैं। जब भी किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो हम उसको 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मींस डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर की थ्योरी है सारी। देखो ये चीजें नहीं पूछा करो, सर कितना कोर्स कवर हो गया है, कितना बाकी रह गया है, सर कंप्लीट हो जाएगा, सर हमारे एग्जाम इस डेट में है, आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आपका काम है पढ़ना, आप उसको पढ़ें बस, ये काम हमारा है। हम इसको देखेंगे कि हमारा कोर्स कितना रह गया है, कितना हो गया है, हमारा कोर्स टाइम के अंदर कंप्लीट होगा नहीं होगा, ये हमारा काम है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये टेंशन हमारी है, आपकी नहीं है ये टेंशन। आपकी टेंशन ये है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ें। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन आंसर के अंदर आते हैं, सर हमारा कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, सर कितना कोर्स हो गया है, सर मतलब आपका ध्यान इसी में अटका हुआ है बस, कितना कोर्स हो गया है, कितना बाकी है, कितने परसेंटेज हो गया, बस आप ये देखते रहते हो, ये नहीं देखते पढ़ाया गया आपको। हाँ वो देख लीजिएगा, 1-4 MCQ का आंसर 25.69 है, वो देख लीजिएगा उसको।
नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे क्वेश्चन सेंड करके ना फिर मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी आप यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है, कुछ का आंसर दे पाते हैं, कुछ का आंसर जल्दी में नहीं दे पाते। तो आप ये क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे सेंड करके पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमने क्या किया था और इसका आंसर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वहां पे मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है जी, ये था आपका आज का सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेकंड हैंडआउट जो है फंक्शन एंड देयर ग्राफ, मतलब चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का जो एमसीक्यूज है वो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज के दिन। तो आपने इसको रोकना नहीं है काम को, आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ये ना हो कि हम आगे जा रहे हो और पीछे से आप भूलते जाए सारा कुछ, वो हमारी सारी मेहनत जाया ना हो जाए। तो इसको आप रिवाइज करते रहेंगे, इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे डिस्कस करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड हैंड आउट स्टार्ट करेंगे आज के दिन, और थर्सडे को अपना जो भी हमारा था 5th चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज थी वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।